जय गुरु जी संगत जी शुक्राना गुरु जी का एंड शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत का आज जो संगत सारी दरबार में सजी हुई है और जो संगत ऑनलाइन बैठी हुई है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना और स्वागत और जो संगत उस दरबार में अमृत विला की सेवा में है उनका भी पूरी अटेंडेंस है क्योंकि वो भी गुरु जी की हाजिरी में लगे हैं वो मेरा परिवार भी उधर है तो सेवा में है तो उनकी भी हाजिरी लगी हुई है महाराज के दरबार में और उनका भी बहुत बहुत शुक्राना तो संगत जी आज ये शुक्राना सत्संग महाराज ने कराया और ये गुरु जी सेवा साल में मतलब मेरे से ज़्यादा लेते नहीं हैं कभी एक साल में एक बार या दो बार ही लेते हैं मैं चाहती हूँ महाराज मुझे ज़्यादा सेवा दें ताकि ऐसा दिन और टाइम हो जो मेरा परिवार सेवा में है उन वो भी उस एक जगह पे बैठे और मैं उनकी सेवा कर सकूं तो ये महाराज से मेरी मतलब अरदास है कि ऐसा टाइम भी वो लाएं और सेवा बख्शें तो ये शुक्राना सत्संग जो है ये मेरा नहीं है ये सारी संगत का शुक्राना सत्संग है और शुक्राना वर्ड जो है अगर मैं देखूँ या हम सब देखें तो मैं अगर अपनी जर्नी भी देखूं तो मैंने जितनी ज़िंदगी बताई मुझे शुक्राना का वर्ड ही जो है गुरुजी से मिला है और आई आई एम श्योर कि सारी संगत को गुरुजी से ही मिला है क्योंकि उससे पहले तो मुझे लगता है कि जब भी महाराज से बात होती थी तो बस डिमांड होती थी या कंप्लेंट होती थी तो उससे पहले मैंने कभी शुक्राना सुना ही नहीं था ना मैंने करा था और ये महाराज की कृपा है कि जब महाराज ने अपनी शरण में लिया है हमें तो ही जो हमारा कम्प्लेनिंग एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड में बदला है तो ये सारी संगत का ही शुक्राना है महाराज के लिए तो शुक्राने तो मतलब इतने हैं कि अगर मैं शुरू होंगी तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगी एक एक चीज़ पे एक एक दिन पूरा बोल सकती हूँ मैं बट मैं तो सिर्फ पॉइंट बुलेट पॉइंट से बोलूँगी कि महाराज सारी संगत की तरफ से आप भी दिल से यही शुक्राने हैं सबके सेम ही हैं आई एम श्योर एक एक बंदा जो गुरु जी से जुड़ा है उनके शुक्राने सबके सेम हैं तो महाराज जी लाइक यू नो गुरु जी सबसे पहले तो अपने शरण में लेने के लिए अपने दरबार में एडमिशन देने के लिए तो उसका शुक्राना है और महाराज ने जो हमें सब कुछ दिया है तो शुक्राना है अमृतवेला बख्शने के लिए आय संगत जुड़ी हुई है ऑनलाइन भी जुड़ी है तो ये अमृतवेला बख्शने के लिए भी शुक्राना है और गुरु जी ने अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो महाराज ने मुझे जुलाई सेवन टू थाउजेंड सेवनटीन फर्स्ट टाइम अमृतवेला करवाया था कीर्ति आंटी के थ्रू मेरे घर पर और मैं अगर देखूँ अपनी जर्नी उसके बाद तो मेरी लाइफ पूरी जैसे ही गुरुजी के दरबार में एडमिशन मिला तो लाइफ तो ट्रांसफॉर्म उसी टाइम पे हो गई थी बट मल्टीप्लाई जो हुई ब्लेसिंग्स वो अमृतवेला से हुई मेरी और उस दिन जो कीर्ति आंटी ने अमृतवेला कराया था मैंने पहले दिन भी बोला था तो ये जो आज साखी आपने सुनी है इसी से जुड़ी थी मैं यही वाली साखी सुनी थी मैंने और ये डेढ़ घंटे की थी ऑलमोस्ट इट इज़ एडिटेड बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन बट डेढ़ घंटा मुझे नहीं पता चला था कहाँ गया और सेकेंड डे मैंने सेम अपने बच्चों को उठा के कीर्ति आंटी को बोला कि डू यू माइंड कि हम सेम ही प्ले करें तो कहते हैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम सेम सुनेंगे तो मैंने अश्विनी अंकल को भी बोला कि आप ये सुनो अमृतवेला का और मैंने अपने बच्चों को उठा के भी अपनी ये वाली पूरी डेढ़ घंटे की प्लेलिस्ट जो थी दोबारा से चला के सुनाई तो वो भी अमृतविल्ला से वहीं से कनेक्ट हुए तो अमृतवेला से इतनी ब्लेसिंग मिली कि जब मेरा अमृतविल्ला जुलाई में शुरू हुआ तो आई वॉज़ अफ्रेड नवम्बर में कि महाराज जी अब तो मेरा टैक्स सीजन आने वाला है एज़ ए सी पी ए लाइक हम पब्लिक अकाउंटिंग में इट वॉज़ वेरी हार्ड तो मेरा अमृतवाला कैसे होगा तो महाराज ने ऐसे सुना कि मुझे पब्लिक से प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया और मेरे को टैक्स सीज़न की कोई टेंशन नहीं है और वहाँ से ही मैं जो अपने बेटे ईशान का बर्थडे कभी नहीं मना पाती थी फेबररी में मतलब मैंने जैस्मिन का हमेशा मना पाते थे कि समर में आता था बट ईशान का कभी भी नहीं कुछ कर पाती थी मैं केक भी बड़ी मुश्किल से शाम को काटते थे तो महाराज से दर पे जिस दिन से आए हैं अमृतवेला शुरू हुआ है तो हर साल महाराज इसी टाइम पे उसका कल बर्थडे है तो मतलब आज महाराज ने शुक्राना सत्संग करा दिया पिछले साल ट्वेंटी सिक्स को कराया था उसने पिछले साल भी कराया था तो ये टाइम महाराज दे, दे देते हैं कि उसका बर्थडे भी धूमधाम से सेलिब्रेट करा देते हैं तो ये महाराज के शुक्राने हैं अमृतवेला को फिर महाराज ने सेवा बख्शी तो उसका शुक्राना और ये महाराज के शुक्राने हम सब की तरफ से ही हैं कहीं ना कहीं हर बंदा हम लोग माइक पकड़ के खड़े हो जाते हैं तो मैं दिखती हूँ सेवा करती हर बंदा जो गुरुजी के दर पे आ जाता है वो पीछे से वो एक एटीट्यूड बन ही जाता है वो किसी ना किसी तरीके से सेवा कर रहा होता है और जो दरबार में बैठे वो भी सेवा ही है तो लाइक यू नो ये सेवा महाराज ने बख्शी है क्योंकि ये एक पैटर्न है जो महाराज ब्लेस करते हैं हर बंदे को कोई दिखता है कोई नहीं दिखता है तो ये भी शुक्राना है गुरु का फिर इसके अलावा महाराज ने हमें सारी मटेरियल चीज़ें दी हैं क्या नहीं बख्शा है ऐश करते हैं हेल्थ बख्शी है हेल्थ बख्शते हैं तो ही आ पाते हैं हेल्थ बख्शी है तो तभी सुबह उठ पाते हैं तो ये महाराज से यही मांगना है कि हमें हेल्थ बख्शते रहें ऐसे ही और संगत कराते रहें जोड़ते रहें तो इसके अलावा जो है महाराज से सॉरी जो बख्शाना है गलतियाँ जो आज तक सारी उम्र में हुई हैं हम सबसे जाने में अनजाने में दिल दुखाते हैं किसी ने किसी का दुख ही जाता है ईगो प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं हमारी वो तो अभी नहीं गई हैं तो वो सेवा करते बहुत गलतियाँ होती हैं तो उसकी माफ़ी महाराज से लेते हैं मांगते हैं और ये बस मेरे डैडी ने मेरे डैडी ही इज़ नो नो लॉन्गर इन आस बट वो जब इस कंट्री में आए तो ही सैड कि सोनी मैनू तो दो चीज़ें समझ आई हैं ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਸੌਰੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਨ ਸੌਰੀ ਹੰਦਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਗੁਰੂ ਜੀਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਲਾਈਕ ਵਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਟੂ ਥੈਂਕਸ ਏ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਖਸ਼ੇ جائیںਗੇ ਮਹਾਰਾਜ निकालेंगे ਹਮੇ ਤੋ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ वो हम करेंगे मिल के बट उससे पहले मैं आ, आज सारे सेवादार जो महाराज ने चुने इस मंदिर में अमृतवेला की ब्लेसिंग के लिए डेफिनेटली मैनेजमेंट की तो है ही है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया अमृतवेला शुरू करने के लिए जो मैंने फर्स्ट डे भी, भी बिताया उसके अलावा महाराज ने हम लोग छः सेवादार वहाँ से एडिसन मंदिर में रोज अमृतवेला पे जाते थे और रोज़ अमृतवेला कर रहे थे और रोज़ अमृतवेला में एक चीज़ तो सीखने में मिल रही थी कि संगत जोड़ो संगत जोड़ो तो जब ये चीज हमारे सामने महाराज ने सेवा रखी कि ये सेवा करो तो महाराज ने अपने नगीने चुने और जो से सेवादार जिनको ये बात समझ आई कि आगे संगत जोड़नी है हमें तो वो सेवादार वहाँ यहाँ पे आए और डेली रूटीन में आके जो महाराज की सेवा कर रहे हैं आज मैं उनको बुलाना चाहूँगी तो राघव अंकल अर्चना आंटी काम्या आंटी मीना आंटी अश्विनी अंकल एंड मैं एक दिन खड़ी थी हम छः जाने जब गुरु जी के दर पे आते हैं तो सबसे पहले राघव अंकल अर्चना आंटी और काम्या आंटी आ दरवाज़ा खोलती हैं और जो जो भी सारा जो एक रूटीन में करते हैं और सबकी सेवा महाराज ने अपनी अपनी करी हुई है डिसाइड करी हुई है ये नहीं है कि सर हर कोई बंदा अपना करता है बट महाराज ऐसे सेवा कराते हैं तो एक दिन ऐसे हम चाय प्रसाद की वेट कर रहे थे और हम चुपचाप टीवी पे पर स्क्रीन पे महाराज का दरबार देख रहे थे और शबद चल रहा था तो हम चुपचाप सब टकटकी लगा के दरबार की तरफ देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं बिकॉज़ भोग की तैयारी हो रही है कि चाय प्रसाद बनेगा तो भोग लगेगा तो मैं स्माइल कर रही हूँ मेरे एकदम से थाट ये आया कि वाव गुरु जी अच्छा छः बंदे हम खड़े हैं नहीं नहीं छः तो हम थे तो एक और ये दिव्यांश अंकल हैं ओह महाराज ने सेवन नंबर लगा दिया सेवन तो ये सात नंबर दिव्यांश को ऐड करके गुरुजी ने कंप्लीट किया उस दिन और मैंने कहा वाह गुरु जी यू कन्फर्म्ड कि आपने सात कर दिए और दिव्यांश इज़ वन लाइक यू नो कि जो अपने आप वॉलेंटरीली महाराज उसको उठा रहे हैं और वो आके आंटी के साथ प्रसाद की सेवा करता है तो वो भी आ जाता है तो ये गुरुजी ने जब सेवन कर दिए तो मेरे को लगा कि गुरुजी अपनी सेवन नंबर दिखा के स्टैंप लगा देते हैं तो ये महाराज ने सेवा बख्शी तो मैं चाहती हूँ कि आज दो दो मिनट एंड संगत जी एक चीज़ और मैं ना आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जब कोई खड़ा होता है माइक पकड़ के यहाँ पर तो हम लोग डेफिनेटली यही सोच के आते हैं कि संगत का ज़्यादा टाइम नहीं लेना संगत थक जाती है बट होता क्या है जो गुरु जी चाहते हैं और ये सबसे बड़ी सेवा होती है जो आप लोग सुनते हो हमें तो ये सेवा कम नहीं है जो हम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा है तो कभी अपने आप में मतलब ये मत सोचना कि हाई क्यों लंगर खाना है या मतलब ये भी सेवा है एंड यू आर लाइक यू नो टेलिंग द अदर पर्सन कि आप अपनी सेवा कर सको क्योंकि जब कोई खड़ा होता है तो उसको होता है कि मैं गुरु के बारे में क्योंकि ग्रैटिट्यूड गुरु जी ने ये क्यों दिया है हमें प्लेटफॉर्म कि हम ग्रैटिट्यूड दे सकें तो अब मेरे अंदर इतना कुछ है बट मुझे पता है टाइम लिमिटेशन है आई ट्राई माई बेस्ट बट बी पेशेंट एंड आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑल द सेवादास हियर प्लीज़ ये आज उनकी देन देर बिकेम यू नो मैनी मैनी ब्लेसिंग्स ऑन अ वे बिकॉज ऑफ अमृत वेलम And uh, like uh, uh, Sonianti said, Shukrana. You know, we used to do Shukrana. I don't think I ever did Shukrana. I learned from here how to do Shukrana, and how to do Shukrana oh every single day, to you know, to the Almighty, to Guruji, for keeping us alive and healthy. Uh, you know, and uh, uh, when when any obstacle comes your way, you know. पहला यू नो हम भगवान को याद करते हैं बट अमृत वेला ये समझ में आया कि रोज ही शुक्राना करो तो वेन इट ऑब्स्टिकल्स कम्स योर वे गुरु जी विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट सो माई लाइफ इज बिकमिंग ईजियर एंड पीसफुल बिकॉज आई कम टू अमृत वेला एंड आई एम जस्ट यू नो Praying to Guruji that you know, he gives me that strength to get up in the morning, and the willingness to come and be here with all of you. Thank you, Shukrana. Jai Guruji, Sangaji. Um, Jai Guruji. Shukrana, 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 Guruji. Um, sabko. Um,

मेरे मन में और हर इंसान का ऐसे होता है कि हम हर एक को ब्राइब देने की कोशिश करते हैं तो मैंने भी अपने भगवान को ब्राइब किया कि कुछ तो रास्ता करो तो जो मैं सुबह सो के नहीं उठ सकती हूँ मैं आपके पास स्नो स्टॉर्म में भी आऊँगी कुछ करूँगी लेकिन बस आप आ, मैंने उनको ब्राइब किया कि जो क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ सकती हूँ कि जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर मी ऑफ माई लाइफ आई एम गोना गिव दैट अप गिव नो छो एंड ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट वन प्लीज़ डू समथिंग फोर मी एंड देन गुरु जी ने ऐसे रास्ता बनाया अमृतवेला से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और आप बिलीव नहीं करेंगे जो बिल्कुल अंधेरा था जो फोटी डेज़ का चालिया हमारा चलता है अक्टूबर में दैट वॉज़ द फर्स्ट टाइम आई स्टार्ट माई जर्नी और उन फोर्टी डेज में के अंदर ही अंदर जो मैंने उनके पास बैठ के प्रे की गुरु जी से मांगा ऐटलीस्ट उन्होंने जो है एकदम से रास्ता खुल गया वो इट वॉज़ यू वॉन्ट बिलीव इट हमारे लिए एक जो पूरा जो हमारी लाइफ एकदम रुकी हुई थी वो गुरु जी ने हमारे चालीस दिन के अंदर ही अंदर वो रास्ता खोल दिया और उसके बाद वैसे भी जब और जब हम हम अमृत चालिया से जुड़े थे और वो हमारा फर्स्ट टाइम मूल मंत्र का पार्ट था तो हम बीइंग अ हिंदी यूपी से हम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता था लेकिन मूल मंत्र गुरु जो हमारे वीर जी हैं सब कुछ हिंदी में इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं मूल मंत्र से ही हमारी जर्नी शुरू हुई और जो शब्द से हमने जुड़ना शुरू किया एवरी डे वी यूज टू क्राई एट द यू नो ड्यूरिंग आवर अमृत वेला इट वॉज सो डिवाइन इट लुक्स लाइक अंड इट फील लाइक वी आर सिटिंग इन heaven so that was the part and when we used to go home my husband and i we used to cry all the time it was completely silent and we cry and then every day we used to you know pray and you know we would look forward to come back next day amrit vela ki amrit vela aane ki jo hai charm ho gaya aur uske baad se jo aise hamari journey shuru ho gayi और गुरु जी की बड़ी कृपा अभी तक उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है मैं ये कहूँगी कि हाँ उस दिन के बाद से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा अमृत वेला उन्होंने हमें दिया अमृत वेला से हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने का मिलता है क्योंकि जब हम अपनी आ, गुरु वीर जी की सुनते हैं सारा पाठ जो कि हमें हिंदी में एक्सप्लेन होता है इतने अच्छे तरीके से तो एक एक हमारी एक ग्रोथ भी हो रही है सेकेंडली एक जो है हम जो है कि एक एक अच्छा इंसान भी बन रहे हैं और अगले दिन जो है एवरीडे हमारे को ये रहता है कि एक आप, आप एक जब भी कोई काम करने लगते हैं तो आप बहुत सोचते हैं कि हाँ इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है किसी को हम हर्ट ना करें और सबसे बड़ी बात आज तक आ, हम सब लोग सब सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं जो हम आज यहाँ पर बैठे हैं हमारे को अगर हम दूसरों से कंपेयर करें हम फार 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 बेटर हैं और उससे हमने क्या सीखा है हमारे वीर जी से कि हम हम जो अपने सुख में यहाँ बैठे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे पिछले कर्म थे जो हमारा पिछला नाम था जिसकी वजह से हम यहाँ हैं अब हमें और अपने नाम आगे बढ़ाने तक कि हमारा अगला जन्म भी अच्छा हो तो एक, एक, एक जो है आपके स्टेप टू स्टेप आप एवरी डे यू बिकम काइंड ऑफ ए नाइस Uh, you know, nice person. you think that uh, you care about other people. you don't want to hurt anybody. there are so many things you learn from amrit vela. Uh, this is a, such a divine uh, you know, journey. and this is only thing i have in my jom jhame अब सब कुछ बहुत अच्छा है सब जो है प्रॉब्लम्स आती हैं हर एक की लाइफ में आती हैं बहुत स्मूथली निकल जाती हैं अमृत वेला की वजह से एक 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 सारा दिन जो है हम लोग बहुत अच्छे से यू नो एक स्टार्ट ही हमारा इतना अच्छा होता है कि पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है एक ये बहुत अच्छी बात है जॉइन करने की वजह से और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा बस अब दुख ये रहेगा कि जब भी हम जाएंगे तो हमारे को हमारे वीर जी की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी सो दैट इज़ द ओनली थिंग आई यू नो मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी से बहुत स्मूथ बहुत यू नो पीसफुली निकल रही है प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत स्मूथली निकल रही हैं uh, लेकिन बस अब जो बहुत दुख रहेगा कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो बस हम अमृत वेला हमें वहाँ नहीं मिलेगा अमृत वेला इसकी अमृत वे अमृत जो जो एक ठीक है गुरु जी के पास वहाँ पर रहेंगे लेकिन एक जो अमृत वेला का जो भटियाई है वो तो इसका बख्यान ही नहीं है जय शुक्रिया <laughs> शुक्रिया गुरु जी शुक्रिया और मैं ना अर्चना आंटी को हमेशा मजाक करती हूँ गुरु जी ने तो आपको सबसे पहले फ्लाइट में ही बिठाया हमें तो बस में बिठाया ट्रेन में बिठाया आपको सीधा फ्लाइट में अमृत अमृतवेला में तो जय गुरु जी राघव अंकल जस्ट कीप इट शॉर्ट आई थिंक इज टायर्ड जय गुरु जी जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी गुरु जी दिस शॉर्ट क्योंकि अर्चना आंटी ने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया तो आई डोंट हैव एनी थिंग टू से आल्टॉक एनर टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म और टोटली डिफरेंट वे कि ठीक है आप लोग अमृत वेला की वडियाई सुनते आए हैं कई सब संगत वडियाई करते हैं यस आल्ट से समिंग डिफरेंट अगर अगर आपको एनर्जी चाहिए अगर आप सोचते हैं कि हम दिन में थके रहते हैं हमारे बॉडी में पेन होता है हम हाथ में दर्द होता है पैरों में दर्द होता है तो बिलीव इट आप यहाँ आइए अमृत वेला में आइए अमृत वेला नहीं आ सकते आप मंदिर में वैसे ही आइए यहाँ पे आके सेवा करिए आप बिलीव नहीं करेंगे आपके सारे बॉडी के जो पेन होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं यू डोंट नीड टू टेक एनी मोर टेनानॉल और मॉर्ट्रीन और यू डोंट नीड टू टेक एनी मोर बी कॉम्प्लेक्स मल्टीवाइटमिन और समथिंग लाइक दैट इतनी एनर्जी मिलती है इतनी एनर्जी मिलती है कि आप अगर आप अगर आप कहते हैं कि हम हमें आठ घंटे से दस घंटे मिनिमम नींद चाहिए आप यहाँ पे आइए सेवा करिए गुरुजी के पास गुरुजी की सेवा करिए आप बिलीव नहीं करेंगे आपको एक मिनट की भी नींद नहीं आएगी दैट इज़ अ थिंग विच आई एक्सपीरियंस एंड दैट इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड इट्स नॉट ऑन द नेगेटिव साइड सो मींस वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कमिंग हेयर ड्यूरिंग अमृतवेला डूइंग सेवा एंड डूइंग ऑल दोज थिंग्स लाइक विल मेक यू मोर एनर्जाइज्ड एंड मोर पेन फ्री सो आई जस्ट स्टॉप ऑन दिस थिंग दैट थिंक अबाउट इट प्लीज़ कम टू द वेला गेट अनर्जाइज गेट योर सेल्फ मोर हेल्दी यू विल नॉट बिकम लाइक मीन्स इफ कि आप अपनी स्लीप को छोड़ें तो आपकी कुछ प्रॉब्लम होएगी जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ऐसा नहीं होएगा आप लोग मोर एनर्जाइज फील करेंगे थैंक यू जय गुरु जी जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ये बिल्कुल सच है कि um, जब मैं गुरु जी के आई आने से पहले मैं स्लीपिंग पिल्स पे थी और जैसे ही गुरुजी के पास आई हूँ उसके बाद मैंने आज तक स्लीपिंग फिलनी ली है तो मिलियन डॉलर की नींद आती है दो घंटे में ही लाइक इट्स इक्वलन टू एट आवर्स जय गुरु जी कामयान जी जय गुरु जी मैं ट्राई करूँगी कि मैं सिर्फ दो लाइन में अपना अमृतवेला जर्नी समराइज़ करूँ फॉ मी अमृतवेला इज इट टीच मी द वे ऑफ लिविंग इट हेल्प मी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग M Maybe I don't do the right things, but when I do wrong things, I realize that I am doing wrong. So this is up till now what I've learned. One day, Guruji will help me do the right thing. <laughs> so <laughs> Jai Guruji, Shukrana Guruji. Guruji. Uh, Ashwini Uncle, I know Ashwini Uncle will be very courteous. <laughs> Jai Guruji. शुक्राना गुरु जी शुक्राना संगत जी आ, शुक्राना टू और संगत जी इतने दूर दूर से सब लोग सुबह सुबह वा उठ के आए हैं और आई नो अब थोड़ी सी पेशेंस भी लूज़ कर रहे हो गए तो बहुत बहुत सॉरी मैं सर दो मिनट लूँगा मैंने सर अमृत वेला के बारे में इतना बताऊँगा कि अमृत वेला हर धर्म में है एक्चुअली हर धर्म में होता है और मेरे को लगता था कि जैसे ना जुइशों में शायद नहीं होता होगा बट क्या वो मैं एक बार ना प्लेन में जा रहा था तो वहाँ पे मैं मैं लारा लगा के रखता हूँ अगर चार बजे अपना उठ जाता हूँ तो मैं उठा और अपना मुँह हाथ धो के प्लेन के पीछे गया वहाँ पे पंद्रह बीस जुई लोग खड़े होके वो भी ऐसे पूरा ऐसे ऐसे कर रहे थे मैंने कहा यार इनका भी अमृतवेला है मेरे को उनका नहीं पता था तो मैंने कहा बायों का तो पता था मेरे को मुस्लिम्स का क्रिश्चियंस का बाकी पता था वो जुइ का इनका भी है सबका अमृतवेला मतलब है ही मतलब कुछ ना कुछ तो है जो हर धर्म में होता है तो इसलिए मैं सब संगत जी को कहूँगा कि प्लीज़ आप भी इसका एडवांटेज उठाओ आओ और बहुत सारे लोग बहुत सारी संगत को लगता है कि हम उठ नहीं पाएंगे और कई बार वो कहते हैं जब गुरु जी बुलाएंगे, तब आएंगे तो उनके लिए मैं ना एक जोक सुनाता हूँ सवेरे सवेरे तो एक बारी एक बंदा होता है वो रोज़ प्रार्थना करता है कि भाई गुरु मेरे को लॉटरी जलवा दो लॉटरी जितवा दो लॉटरी जितवा दो तो एक दिन प्रकट हो जाते हैं भगवान और करके उस थप्पड़ लगाते हैं कहते पहले लॉटरी खरीदेगा तो, खरीदे तो लगाऊंगा तो हम एफर्ट्स करेंगे तो आएंगे यहाँ पे तो हमें एफर्ट्स तो करना है तो गुरु जी तो फिर बुलाएंगे बुलाएंगे तो हमें अपने एफर्ट्स करते रहना आते रहना और आ, ब्लेसिंग्स जितनी ज़्यादा संगत आएगी उतनी ज़्यादा ब्लैसिंग्स होती है वीक डेज में बड़ी कम संगत होती है हमें मज़ा नहीं आता चाहता तो, आया तो गुरु तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अब नंबर सेवन दिव्यांश ये गुरुजी ने साता लगाया हमारे जय गुरुजी संगत जी शुक्राना गुरुजी का शुक्राना संगत का आ, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अमृत वेले से इतनी इतनी दाते मिली हैं मेरे को भी सोनिया आंटी ने कहा कि दो मिनट का करना है तो मैं सोच रहा था किस किस दाँत का मैं करूं बट सबसे बड़ी दाँत मेरे हाथ में है ये सच्ची में गुरु जी की ही देन है और अमृत वेला की ही देन है ये इतना सपोर्ट करती है ये रात को दो बजे सोती है <laughs> ताकि मैं आराम से फिर अमृतवेला जा पाऊँ अगर ये उठ जाए तो मैं जा भी ना पाऊँ तो इसका बहुत बहुत शुक्राना और मेरी आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना वो इतना साथ देती हैं अभी एक हाथ में एक शुक्राना गुरु जी का एक और ब्लेस करा हुआ है तो बट फिर भी वो इतना सपोर्ट करती हैं कि वो कहती है नहीं आप जाओ और आप फैमिली के लिए आप पूरी ब्लेसिंग्स लेके आओ तो शुक्राना सबका शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी तो ये ये शुरुआत है गुरुजी के नंबर सेवन से बट ये जो है गिनती अनगिनत होनी चाहिए अमृतवेला के संगत की तो सारी संगत को ये जो ब्लेसिंग मिली है सबको मिले और रोज़ आओ संगत जी उठो आओ कोशिश करो और जो संगत नहीं आ सकती घर से उठो मतलब करो जरूर बट दैट्स सेट और अब मैं यही अरदास करना चाहती हूँ सारी संगत की तरफ से गुरु जी को हम ना रोज महाराज ने सत्संग शुरू करवाते हैं मूल मंत्र से तो मूल मंत्र की वो वीर जी कहते हैं कि मूल मंत्र अगर जपते हैं तो निरंकार जो गुरु जी की क्वालिटीज़ हैं वो हम में भी आनी शुरू हो जाती हैं तो मैं गुरु जी से आज मांगती हूँ कि गुरु जी ने शुरुआत करी एक कार से सो so, लाइक like, एक्यूम कार कि हम डेफिनेटली एक्यूम कार को फॉलो कर सकें कि गॉड इज़ वन तो महाराज हमें यही सिखा रहे हैं कि रिलीजन से ऊपर उठो तो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करो जहाँ पे जुड़े हो जुड़ो जिसको मानते हो क्योंकि गॉड इज़ वन रास्ता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं बट डेस्टिनेशन इज़ वन तो वो हमने फॉलो करना है और जब भी जैसे हम जाते हैं चढ़दी कला में जाते हैं जब बड़े मंदिर जाते हैं जिनको भी मौका मिलता है मैं महाराज ने लास्ट ईयर मुझे दो बार दिया चढ़दी कला में जाते हैं कि गुरु जी का दर है तो जो भी गुरु जी का दर है चाहे वो एडिसन मंदिर है या सोमर मंदिर है या कैलिफोर्निया का कोई मंदिर है या ये मंदिर है चढ़दी कला में आओ जहाँ पे भी जाओ चढ़दी कला में जहाँ गुरु जी का स्वरूप लग गया वहाँ पे गुरु जी हैं वो घर पे भी बैठे हैं जहाँ पे हमने स्वरूप लगाए तो वहाँ पे चढ़दी दी कला से और वो हमें क्वालिटी दें निर्भाव डर नहीं होना चाहिए हमें जब हम गुरु को आगे रखते हैं तो वो क्वालिटी महाराज हमें बख्शें ये अरदास है कि डर नहीं होना चाहिए और निर्वैर निर्वैर अभी वो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ ये मैं मांग रही हूँ आपके साथ गुरु जी से मेरी लिस्ट में भी ऐसे बंदे हैं मुझे लगता है कि लाइक यू नो मतलब मेरे को प्रॉब्लम है मैं महाराज से आज मांगती हूँ कि ये जो क्वालिटी है जरूर आ जाए हम सब में और वहाँ जो निर्वैयर की क्वालिटी जब आ गई ना तो ये ईगोल्स ख़त्म हो जाएंगे हम सबकी और वो जो एक सेल्फलेस सेवा होती है जो रियल सेवा होती है वो स्टार्ट होगी महाराज के तौर पर और गुरप्रसाद ये तो मैंने बाकी तो महाराज की सारी क्वालिटीज़ हैं मैं ये बीच बीच में जो पॉइंट्स बोल रही हूँ गुरप्रसाद तो कृपा है जो हम सब ने मांगनी है गुरुप्रसाद जो गुरु की कृपा है तो गुरु की कृपा हम सब ने मांगनी है कि महाराज ऐसे ही हमें हेल्थी रखें सारी संगत को खुश रखें सारी संगत के बच्चों को खुश रखें और ऐसे ही हम सबको लाते रहें अमृतवेला में भी सत्संग में भी जो होते हमारे हफ्ते में आए सेवा करें जुड़ें और बस अपनी ज़िंदगी ऐसे ही महाराज के चरणों में बिताएं और महाराज बाकी खुशियां तो पीछे पीछे, पीछे भी जैसे वो बोलते हैं <laughs> बाकी खुशियां है तो पीछे पीछे ही हैं तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी आज मेरे बेटे उसका बर्थडे कल है पर गुरु जी के दर पे कोई वहम नहीं है तो केक महाराज के साथ वो आज काटेगा का। तो प्लीज़ जिनके भी फेबररी के बर्थडेज हैं और किसी भी की भी कोई भी सेलिब्रेशन एनिवर्सरी है प्लीज़ कम फॉरवर्ड क्योंकि ये महाराज के साथ आप केक काट रहे हो तो प्लीज़ डू कम आज्ञा लेके वापस वापिस दरबार में आ जाइए फिर उसके बाद प्रसाद लेके घर पे जाइए और इसके अलावा अनाउंसमेंट ये है कि वेंसडे को काम्या आंटी ने शुक्राना सत्संग रखा हुआ है आई नो इट्स अ वीक डे बट अगेन सब ने एफर्ट करना है उस दिन आने का उस दिन भी शुक्राना करेंगे वेंसडे को फर्स्ट मार्च को फिर उसके बाद जैसे जैसे होली का होगा शुक्राना सत्संग फिर आगे बैसाखी ऐसे पर ये ये तो हो गया कि मतलब कि देर इज़ नो एक्सेप्शन वैसे रोज महाराज का यही करना है हमने कि आना है बस आना है गुरु कोशिश करनी है पूरी और महाराज उठाते हैं तो शुक्राना संगत जी शुक्राना गुरु जी का शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी